हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा बुक का कलेक्शन। एक्चुअली बहुत कुछ कमेंट भी आ रहा था, बहुत कोई मुझे पूछ भी रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए मैं एक अलग से पर्सनलाइज वीडियो बना दूँ जिसमें आप सभी को ही पता चल जाए अलग अलग, उसका जवाब देने से बेटर है एक वीडियो में ही मैं सब कुछ दिखा दूँ आपको। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ पूरा मेरा बुक का कलेक्शन, जो भी मैंने एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे बुक्स थे, बट 10th तक जो बुक्स था वो मेरे पास है नहीं अभी। तो जितने भी सारे मैं आपको बुक्स दिखाऊंगा वो 11th 12th साथ ही साथ जो मैंने डिप्लोमा किया उसका और कुछ कंपटीशन का बुक, बस यही चार कैटेगरी में आपको बुक मिलेगी। तो सारे के सारे मैं आपको बुक दिखाऊंगा। टोटल मेरे पास बुक है आई होप 43 बुक है मेरे पास। तो और भी एक दो को बुक है बट इधर उधर मामा का बेटा वगैरह लेके गया है, बट वो सब अभी है नहीं। तो फिलहाल जितने बुक है मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा बुक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतने ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत आप लोग से आस रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थोड़ी सी हम लोग को सपोर्ट मिलती है और मोटिवेशन मिलती है इससे। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फाइनली देख पा रही है मेरे पास सारे के सारे बुक कलेक्शंस यहाँ रखी हुई। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दिखाना। एक्चुअली कुछ बुक उधर है और एक्चुअली सब मैंने कैटेगरी वाइज अलग कर दिया। ये मेरा सारा 11th 12th का है, यहाँ पर जितना बुक है सारा मेरा डिप्लोमा का है जो कि पॉलिटेक्निक का है, साथ ही साथ यहाँ पर जितना हो गया सारे के सारे कंपटीशन बुक है इसको एक्सेप्ट करके, क्योंकि ये है देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी। एक्चुअली मुझे बहुत दिन से ये पढ़ने का शौक था। इसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसको मैंने 11th में ही खरीदा हुआ था, तो फिलहाल कंप्लीट बुक देख पा रहे कितनी मोटी बुक है ये, और पूरी की पूरी इंग्लिश वर्जन में। इसको साथ ही साथ आप हिंदी वर्जन ही मंगा सकते हैं, तो बट मेरे इंग्लिश प्रीफर किया जाता, तो ये एक साइड से अलग है। और यहाँ पर भी सारा मेरा वही है 11th 12th का, आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री वगैरह। अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ये सब बुक आपको कंपलसरी होती है लेना। तो चलिए मैं आपको फटाफट सब दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक करके बुक दिखाऊंगा, अगर ऐसे दिखाते रह जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, साथ ही साथ आप लोग बोर हो जाएगा। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कौन कौन सा बुक मैंने पढ़ा है, कौन कौन सा बुक आपके लिए जरूरी है, थोड़ी बहुत आपको इसमें से मैं हिंट्स भी मिल जाएगा। तो फिलहाल देख पा रहे मेरे सामने ये जो बुक है दो, ये है मेरा डिग्री लेवल का मैथमेटिक्स का है, जो कि मैंने बीएससी लिया था मैथ ऑनर्स से, तो वो मेरा है। फिलहाल मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया पूरी, यानी कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो ये दो है इधर साइड में, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स है सीबीएसई का, इसको मैंने लिया था एक्चुअली कंपटीशन के चलते, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ जैक बोर्ड से, तो सीबीएसई से मतलब मिला लेना तो नहीं है, बट इसको मैंने लिया था जब मैंने कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, झारखंड कंबाइंड हो गया यानी कि इंजीनियरिंग के लिए बीटेक के लिए, तभी इसको लिया गया था, तो इसको मैं रखता साइड में। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 11th का केमिस्ट्री, साथ ही साथ 12th का, ये दोनों केमिस्ट्री मेरे पर रखा हुआ है। ये देख पा रहे आप क्लास 11th का पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, और ये है फिजिक्स, ये फिर से वापस 10th का ही बुक है, तो ये सब भी साइड रखता हूँ। ये भी देखते हैं केमिस्ट्री, ये भी 10th का है पार्ट 2, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ पूरी तरह, इसको ही मैं रखता हूँ साइड। अब ये देखिए यहाँ पर है मैथ्स का, ये मेरा है 11th का मैथ्स, ये है एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा वगैरह नहीं, आरडी शर्मा भी है मेरे पास, आरडी शर्मा रखी हुई है, तो ये है फिलहाल एनसीईआरटी का। साथ ही साथ ये जो दो बुक है, ये दो बुक बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आपने बहुत कम ही किसी ने देखा होगा ये ज़्यादातर हम लोग इसका जो हम लोग जो भी 11th में फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो फिजिक्स का जो टॉपिक होता है टॉपिक वाइज ये बुक है, यानी कि जो मैकेनिक्स का है मैकेनिक्स का पूरा अलग से ये बुक में दिया गया है। इसमें आप पढ़ के पूरी मैकेनिक्स इसमें से क्लियर कर सकते हो, इसको अलग से आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, ये भी जैसे मैंने बताया फिजिक्स का, 12th का है खासकर, ये सब 11th 12th एक्चुअली बताया जाएगा तो मिला हुआ है जितने भी, एक्चुअली कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आती है सब। आर्यन का है देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन पब्लिकेशन है, तो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया था यानी पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर मेरा आ गया क्लास 12th का प्रदीप का फंडामेंटल फिजिक्स, अगर आप साइंस कर रहे हैं यानी कि अगर साइंस लेकर आप 11th 12th कर रहे हैं तो आपको पता होगा अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हर किसी के लिए जितने भी आईएससी के स्टूडेंट हैं। ये वॉल्यूम 1 था और ये हो गया वॉल्यूम 2 आपका। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट के लिए क्वेश्चन बैंक लिया आया था, ये था मेरा 12th का क्वेश्चन बैंक जितना भी है, तो ये भी कंपलसरी होता है जैक बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या होता है पता नहीं मुझे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड मैंने जैसे नहीं किया था, मैंने जैक बोर्ड से किया, तो जैक बोर्ड के लिए वो कंपलसरी होती है। साथ ही साथ ये तो फिर मैंने बताया ये 10th का ही था, इसको ही मैं रखता हूँ साइड में। ये भी साइंस का है क्लास 10th का, तो ये सब तो वही बात है सारा एक चीज मिला जुला है। अब यहाँ पर आ गया देखिए आप, सबसे टफ जो सब्जेक्ट बोला जाता है वो है सबसे टफ सब्जेक्ट, अब क्या है आप पता होगा आप 11th में, सबसे फिजिक्स का टफ होता है एससी वर्मा, जो कि हर किसी से थ्योरी वगैरह या तो न्यूमेरिकल वगैरह हर किसी से क्लियर नहीं होती है, तो खासकर मैं भी उसमें से एक हूँ, मुझसे भी ये क्लियर नहीं हुई थी, तो इस कारण एससी वर्मा खाली मैंने लेके रखा था, बट इसमें से एक भी सवाल मुझसे नहीं बनती थी। आप लोग से क्या होती है, बनती कि नहीं बनती मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो ये है पार्ट 2 और उसी का ये है पार्ट
1, ये बुक आप देख पा रहे, ये है पार्ट 1 एससी वर्मा का ही, बहुत ही टफेस्ट बुक है। अगर आप इसको प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छी तरह से तो फिर आप इंजीनियरिंग आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। बट हर किसी से नहीं होता है, पता नहीं आप लोग से होती होगी कि नहीं होती, मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तब ये देखिए, ये पर जितने भी सारे बुक है सारे के सारे मेरा डिप्लोमा रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटेक्निक रिलेटेड है। तो इसमें बताता हूँ मैंने क्या क्या ज़्यादा बुक लिया था। एक्चुअली आपको पता है पॉलिटेक्निक उतनी ज़्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, नोट्स वगैरह से हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। साथ ही साथ मेरी तो और भी ज़्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग उतनी पढ़नी ही नहीं पड़ी थी, तो हम लोग को जो पास किया गया था वो ऑटोमेटिक ऐसे ही पास कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था हर किसी को, तो इसलिए उतनी तो किताब लेनी नहीं पड़ी। बट जो जो सेमेस्टर मैंने एग्जाम दिया है, जैसे थर्ड का हो गया, सिक्स का हो गया, तो उसका बुक मेरे पास, तो ये है ईडी का बुक। एक्चुअली हम लोग का डिप्लोमा भी क्लियर हुआ था, तो वो मैंने 12th के बाद किया था, यानी कि मेरा लेटरल इंटेक के थ्रू एडमिशन हुआ था, जिसको हम लोग को फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं पड़ता, सीधा सेकंड ईयर से एडमिशन होता, आप सभी को पता होगा। तो बट उसमें भी हम लोग को ईडी पढ़ना कंपलसरी होता है हर किसी के लिए, तो यही ईडी का बुक है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा जो पढ़ना था, अगर आप डिप्लोमा करा था आपको पता होगा, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताता आपको। साथ ही साथ मेरा कंप्यूटर ट्रेड था, तो जिस कारण मेरा देख पा रहे आप लेटेस्ट सी का है, जो कि है यशवंत कानेतकर जी का बुक, बहुत ही फेमस है सी के लिए। अपनी सी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए वो बुक है, जो कि थर्ड सेमेस्टर पढ़ना था हम लोगों को। उसके साथ ही साथ देख पा रहे हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ बुक रखा गया है। उसके बाद है C++, जो कि उप्स का होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बुक, तो वो भी मेरे पास बुक रखा है। अब है ये, अब देख पा रहे हैं, ये है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का, सबसे टफ बुक है, और जो कि मैंने लिया भी था। देख पा रहे हैं आप बेरोज फ्रोजन का, यानी कि जो कि एक इंग्लिश राइटर है, इंडियन राइटर नहीं है, तो जिसका इसका थोड़ा लैंग्वेज समझने में परेशानी होगी, अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, बट नहीं भी ले सकते हो, इसको मैं ज़्यादा प्रिफेयर नहीं करूँगा, तो फिलहाल मैंने ले तो लिया उस टाइम। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट, कितनी मोटी बुक है, आप देख पा रहे हैं इतनी मोटी बुक है। इसमें अगर टोटल हम लोग पेज की बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल पेज यहाँ पर है 1348-1349, यानी कि 1350 पेज का बुक है। तो 1350 पेज का बुक पढ़ना आप समझ रहे हैं पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल। तो ये डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट, जो कि मुझे थर्ड में ही पढ़ना था, तो ये भी एक बुक रखा गया है। और ये है कंप्यूटर साइंस विद C++, इसको मैंने लिया था 12th पे ही, क्योंकि आपको पता है 12th में हम लोग ऑप्शनल में ले सकते हैं, या तो इकोनॉमिक्स या तो कंप्यूटर साइंस, कुछ भी आप ले सकते हो। तो उस टाइम मैंने कंप्यूटर साइंस तो सोचा था लेंगा, बट उसके लिए मैंने बुक लिया था। जब मैंने बुक को देखा उसके बाद मैंने मन चेंज कर दिया कि नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है, तो फिलहाल रखा गया। जब मैंने ले लिया तो ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तीनों बुक है, ये तीनों मोस्ट प्रिफरेबल बुक है मेरे हिसाब से। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होती है निराली प्रकाशन का, आप अगर निराली प्रकाशन का बुक पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट मानी जाए, क्योंकि आप देख पा रहे सेम वही चीज़ है, कितनी आप देख पा रहे पतली पतली बुक है। इसको जो टॉपिक आपको डिप्लोमा में कंप्लीट करनी रहती है सिर्फ वही दिया रहता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया रहेगा। और ये सब जो बुक मैंने दिखाया, ये सब जितने बुक दिखाया, इसमें क्या होती है ना, बहुत वास्ट सिलेबस रहती है इसमें, बट ये सब में क्या होती है, उतनी ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं रहती है इसमें, आपको जो टॉपिक वाइज है वही सब पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए ये तो हो गया फाइनल कंप्लीट पूरी। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग है, मैंने इसको पहले आपको दिखा दिया है। और ये सामान्य ज्ञान का आर्यंत का, जो कि ऐसा बुक आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा आपके हिसाब से, तो ये भी मैं रखता हूँ साइड। ये है देखिए CSF का हेड कांस्टेबल का, जिसका एग्जाम मेरा 2019 में यानी 2019 में हुआ था, बट अभी तक उसका सेकंड पार्ट हुआ ही नहीं। मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब क्लियर हो गया है, बट उसमें अभी तक रिटर्न हुआ नहीं, तो जिसका नेट बुक रखी हुई, तो फिलहाल मैं कभी कभी देख लेता हूँ कब उसका रिटर्न होगी नहीं होगी पता नहीं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले मैंने रेलवे का भरा था, तो ये है RRB का लोको पायलट का, जो कि 12th बेस पे लोको पायलट को ले रही थी उस हिसाब से है। ये RRB का है, सारे के सारे बुक है, ये देख पा रहे हैं। अब है यहाँ पर JCET का, जो कि सबसे टॉप एग्ज़ाम था इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के लिए BTEC में, जो कि हमारे यहाँ सिंदरी में है, BIT सिंदरी, उसमें एडमिशन के लिए। तो बट अभी तो ये पूरी बंद हो गई, JCET अब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही, अब हो रही है GMains के थ्रू ही जितना एडमिशन हो रही है, सब आपको पता ही होगा। ये भी था, ये देखिए अब था GMains के लिए, IIT GE की कंप्लीट करने के लिए था, केमिस्ट्री का आप देख पर 34 ईयर्स सॉल्व IIT GE क्वेश्चन जो कि था। इसके साथ है जैसे मैंने बताया असिस्टेंट के लिए लोको पायलट के लिए था एक प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व प्रैक्टिस पेपर जो कि RRB का लोको पायलट का। साथ ही साथ ये भी है सेम टू सेम CSF का हेड कांस्टेबल का, जैसे मैंने बताया 2019 में जो एग्जाम होने वाला थी उसका, ये शायद दो बुक है इसका, एक ये था और एक वो पहले मैंने दिखाया। अब है ये देख पा रहे रेलवे का गणित, ये भी मैंने लिया था लोको पायलट के लिए ही, जब मैंने लोको पायलट डाला था तब। बहुत सारे मैंने अलग अलग बुक लिया था ताकि वो क्लियर हो जाने का, बट रिजल्ट उतनी सही आई नहीं उसकी। अब ये है लुसेंट का सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस जो है वो बुक है, ये जनरल नॉलेज का बुक नहीं है, जनरल साइंस का। इसका जनरल नॉलेज का बुक देखे होंगे, छोटा सा रहता मोटा करके ब्लू कलर का। और ये है सेम वही RRB का प्रैक्टिस वर्कबुक, तो ये देख पा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट RRB का। साथ ही साथ जो लोको पायलट का था, यानी कि जो RRB ALP का डाले थे, उसमें आपको ED से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अगर आपने भरा हुआ था आपको पता होगा। तो जिस कारण मैंने लिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का देख पा रहे पूरा हैंडमेड है ये बुक, मुझे पूरी की पूरी हैंडमेड मिली थी। तो ये सारे था कुछ सिंबल्स वगैरह कैसे होती है, 3D क्या होती है, A4 साइज, A2 साइज ये क्या होती है, सारी चीज़ में था, तो इसको मैंने रीड किया ही था उस टाइम। तो ये भी बुक मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। अब मैं आता हूँ लास्ट फाइनल इस जगह पे, तो यहाँ पर भी कुछ 11th 12th से रिलेटेड है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बुक सारे के सारे 11th 12th से रिलेटेड है। ये देख पा रहे हैं आप मैथ है, ये 11th का ही है। इसके साथ साथ ये प्रदीप का केमिस्ट्री, नहीं सॉरी प्रदीप का, हाँ प्रदीप का केमिस्ट्री है ये, जो कि 11th क्लास का है।
तो ये भी मेरे पास है प्रदीप का केमिस्ट्री, जो कि जब मैंने 11th कर रहा था तभी सबको रीड किया हुआ था। ये साथ ही साथ देख पा रहे आप, ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का मेरे पास दो है, ये पार्ट टू है केमिस्ट्री मॉडर्न एबीसी का, मैंने तब रीड किया था। तो मॉडर्न एबीसी बहुत सही है, बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाती है, अगर आप फिलहाल लेवल 11th या 12th में हो तो आप इसको रीड कर सकते हो। ये पार्ट वन, ये पार्ट टू। किताब की आप मोटी देख पा रहे, कितनी ज़्यादा मोटी मोटी किताब आती थी उस टाइम, इसको पूरा रीड करना तो इम्पॉसिबल था। तो जो जो टॉपिक हम लोग का सिलेबस में था बस वही टॉपिक को रीड किया जाता था ये दोनों में। और इसके साथ ही साथ है आप देख पा रहे, ये है 11th का केमिस्ट्री जो कि मेरा कंप्रेहेंसिव का केमिस्ट्री था, देख पा रहे आप यहाँ पर कंप्रेहेंसिव केमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो इस टाइप का कुछ बुक था, आप ये भी देख पा रहे कितनी मोटी है, इसको मैंने एक्चुअली पूरा इस टाइप का करके रखा था, जो कि इस टाइप का लगाया जाता है, आपको पता होगा बाइंडिंग दुकान में इस टाइप का किया जाता है, क्योंकि इतनी मोटी किताब अगर आप सिंगल ही रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फटने का डर रहता है। तो फिलहाल अभी तक मेरी बुक ये देख पा रहे आप एकदम सही है, बिल्कुल ही फटी नहीं है, बिल्कुल एकदम न्यू जैसे लगती है। तो मैं बुक को जनरली हमेशा से प्यार से ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बुक मेरी फटे चाहे कुछ भी हो, जिसका सारे का सारे बुक आप देख पा रहे बहुत ही सही सलामत रखी गई है। तो जैसे कि आपने देखा ये सारे थे कुछ बुक कलेक्शन, जो कि मेरे पास टोटल 43 बुक्स है, कुछ बुक जैसे मैंने बताया साइड भी नजर है, तो सारे के सारे मेरे बुक एकदम पूरी तरह अच्छी तरह से रखी हुई है। इसमें एक्चुअली मैंने एक फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बुक सेल्फ मंगाया था, बुक सेल्फ का सारे कुछ मैंने आपको दिखाया था। तो वही बुक सेल्फ मैंने खासकर इसी चीज़ के लिए मंगाया था, सारे बुक्स को रखने के लिए, नहीं तो पहले क्या होती थी ना, बुक्स को बोरा में भर के रखा जाता था, जिसके कारण बहुत ही सारे बुक खराब हो जाती थी। बट अब सही है, अब जैसे कि आपने सारे बुक देखा, सारे के सारे बुक सही है, जो एक हिसाब से रखा हुआ तो बहुत ही बेहतरीन है। तो जैसे कि आपने देखा ये सारे थे मेरा बुक कलेक्शन का कुछ, जो भी मेरे पास बुक कलेक्शन अभी फिलहाल है, तो अभी तो और स्टडी वगैरह फर्दर हो नहीं, तो जिस कारण बुक कलेक्शन नहीं होगा, तो अब मुझे कुछ अलग टाइप का जो भी राइटर वगैरह का बुक्स है, बहुत सारा बुक्स मेरे दिमाग में सोची गई है, तो उस टाइप का कुछ मुझे बुक लेना है जो कि अलग अलग राइटर का जो कि बायोग्राफी बताता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम का हो गया एक बुक है, जो वो भी मुझे लेना है, तो बहुत ही जल्द मैं वो सब भी लूँगा। तो एक्चुअली मुझे बुक पढ़ने का बहुत ही शौक है, फिलहाल सब्जेक्टिव वाइज नहीं, जो कि बायोग्राफी वगैरह होती है, क्योंकि आपने देखा महात्मा गांधी का मेरे पास रखा हुआ है, तो उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कंपटीशन वगैरह तैयारी करते करते ही टाइम पार हो गया, नहीं तो बायोग्राफी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी तरह का ऑसम वीडियो इस चैनल पर हमेशा आती रहती है। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।